ये एक स्पेशल स्मार्ट वॉच है जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वेयर 2100 प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। अभी जो स्मार्ट वॉच है ये खास बच्चों के लिए बनाया हुआ है, जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा और आपको इस स्मार्ट वॉच के खास फीचर्स के बारे में बताऊंगा, तो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है ओजॉय कंपनी का A1 किड्स स्मार्ट वॉच। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। वॉच कैसे दिखता है आपको बॉक्स के ऊपर ही पता चल जाएगा और जो फीचर्स है वो भी बॉक्स के ऊपर दिया हुआ है। इस वॉच में किडो OS का उपयोग किया गया है, बॉक्स पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ये देखिए ओजॉय A1 स्मार्ट वॉच, जो स्पेसिफिकेशंस है कुछ हद तक बॉक्स पर दिया हुआ है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। अभी जो स्मार्ट वॉच है किड्स के लिए बना हुआ है, ये अलग अलग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। ये जो मुझे मिला हुआ है ये पर्पल वेरिएंट है, इस प्रकार का दिखता है। बहुत ही बढ़िया बिल्ड और फिनिशिंग है इसकी। ये देखिए इसकी जो बॉडी है ये प्लास्टिक की बनी हुई है। फिलहाल इसे मैं साइड में रख देता हूँ, देख लेते हैं कि इसके अलावा बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो इसके अलावा बॉक्स में आपको एक चार्जिंग केबल मिलता है। ये देखिए ये है USB पॉइंट और ये है मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक। तो ये है ओजॉय A1 स्मार्ट वॉच जो खास बच्चों के लिए बनाया हुआ है, इस प्रकार का दिखता है। दिखने में काफ़ी आकर्षक है और बच्चों को खास करके बहुत ही पसंद आने वाला है क्योंकि ये खास बच्चों के लिए बनाया हुआ है और अलग अलग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल भी है। देख सकते हैं कि दो कलर कॉम्बिनेशन है। इसकी जो बॉडी है प्लास्टिक की बनी हुई है और ये जो स्ट्रैप है ये सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ है। स्ट्रैप की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है और इस पर जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए ये जो वॉच है इसमें एक सिम स्लॉट भी है, इसमें बिल्ट इन स्पीकर भी है और माइक्रोफोन भी है। इस वॉच पर दो बटन्स है, ये देखिए यहाँ पर एक तो SOS का बटन है और उसके बगल में ये है माइक्रोफोन और ये है मेनू बटन जिससे आप नेविगेशन कर पाएंगे। और वैसे भी ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर ये टच स्क्रीन है तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। नीचे चार्जिंग पॉइंट्स दिया हुआ है, स्ट्रैप्स बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, स्किन फ्रेंडली है और एक यूनिक डिज़ाइन दिया हुआ है जो बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये स्मार्ट वॉच दूसरे स्मार्ट वॉचेस की तरह ही है तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, ये कुछ हद तक तो दूसरे स्मार्ट वॉचेस की तरह ही है लेकिन ये एक तरह से मॉनिटरिंग डिवाइस है। इसे अगर आपको चार्ज करना है तो ये देखिए पीछे चार्जिंग पॉइंट है, उसके लिए आप ये जो मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक दिया हुआ है उसका उपयोग कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली चिपक जाता है। और आप अपने स्मार्टफोन का जो अडैप्टर है चार्जिंग अडैप्टर उसका उपयोग कर सकते हैं। इसे मैंने ऑन कर दिया है और कह रहा है कि इसमें सिम डालिए, सिम आप यहाँ से डाल सकते हैं। वैसे बिना सिम के भी आप इस स्मार्ट वॉच का उपयोग कर सकते हैं। अभी जो सिम ट्रे है ये देखिए इस प्रकार से आसानी से निकल जाता है और इसमें आपको एक नैनो सिम डालना पड़ेगा। अभी जो स्मार्ट वॉच है ये 4G सपोर्ट करता है, इसे इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, आपको ओजॉय एप्लीकेशन का उपयोग करना पड़ेगा। इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा सा अलग है, दूसरे स्मार्ट वॉचेस की तरह नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक सिम डालना पड़ता है आपको इसमें और ये जो वॉच है इसे ऐड करना पड़ता है एप्लीकेशन में ताकि आप उसे मॉनिटरिंग कर पाए। ये 1.4 इंचेस का टच स्क्रीन है, रेटिना डिस्प्ले है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्टेड है, तो ये सारे मेनू ऑप्शंस अवेलेबल हैं और साथ में इसमें गेम्स भी हैं, बिल्ट इन गेम्स हैं जो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों को पसंद आने वाला है। ये वॉच बच्चों के फिजिकल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकता है, जैसे कि स्टेप्स कितना लिया है, कितना कैलोरीज बर्न किया हुआ है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। इसमें बिल्ट इन GPS है, वाईफाई है और ये IP68 सर्टिफाइड है, मतलब कि पानी में भी अगर ये चले जाए इसे लेकर तो कुछ नहीं होने वाला है, प्रोटेक्टेड है। इसमें किडो ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है जो कि काफ़ी स्मूथली चल रहा है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ गेम्स हैं जिसे बच्चे खेल सकते हैं। इस स्मार्ट वॉच में बिल्ट इन कैमरा भी है जो एक तरह से आगे की तरफ है स्क्रीन के ऊपर और इससे जो बच्चे हैं अपनी सेल्फी खींच सकते हैं और वीडियोज़ भी शूट कर सकते हैं। अब स्मार्ट वॉचेज़ में जो कॉमन फीचर्स होते हैं जैसा कि अलार्म, रिमाइंडर्स वगैरह वगैरह, वो सारे फीचर्स आपको इस स्मार्ट वॉच पर भी मिल जाएंगे। ये जो किडो OS है ये एंड्रॉयड 7 पावर्ड है। ये देखिए यहाँ पर जाके आपको पता चल जाएगा, ये देखिए एंड्रॉयड वर्जन 7.1.1 रन कर रहा है। चलिए अब मैं इसमें सिम डाल देता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप इस स्मार्ट वॉच का उपयोग कर पाएंगे, मतलब कि आपका जो बच्चा है वो किस प्रकार से इस स्मार्ट वॉच का उपयोग कर सकता है। तो ये लीजिए ये जो सिम स्लॉट है, जो सिम ट्रे है, उसे आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाता है और इसमें आपको एक नैनो सिम डालना पड़ेगा। तो मेरे पास एयरटेल का नैनो सिम है, उसे मैं डाल देता हूँ। वैसे ये जो स्मार्ट वॉच है ये 4G सपोर्ट करता है लेकिन वोल्टी सपोर्ट नहीं करता है, मतलब कि अगर आपने इसमें रिलायंस जियो का सिम डाल दिया तो जो रिलायंस का डेटा है वो काम करने वाला है लेकिन आप कॉलिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें वोल्टी नहीं है।
तो इसमें आप जो भी सिम डालेंगे उसमें डेटा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर डेटा नहीं होगा तो आपको लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। और ये लीजिए, अब जो सिम है वो काम कर रहा है। इस वॉच में बिल्ट इन स्पीकर है, माइक्रोफोन है, तो जो बच्चा है आपका वो कॉलिंग कर पाएगा, उसके लिए कॉन्टैक्ट्स में जा सकता है और यहाँ पर जो नंबर्स हैं, प्री डिफाइंड नंबर्स हैं, उसे डायल कर सकता है। एक खास चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें डायलर नहीं है, तो जो भी नंबर्स है कॉन्टैक्ट्स में वही नंबर्स को जो बच्चा है वो डायल कर पाएगा। एक बार वॉच में आपने सिम डाल दिया और ओजॉय एप्लीकेशन पे जो वॉच है उसे रजिस्टर कर लिया, तो आप देखिए लोकेशन जो है इस वॉच का, फिलहाल इसे मैंने साइड में ही रखा हुआ है लेकिन एग्जैक्टली मुझे लोकेशन बता रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने बच्चे को मॉनिटर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ और ऑप्शंस हैं, मॉनिटरिंग ऑप्शंस भी हैं, तो आप बड़ी आसानी से बच्चे को मॉनिटर कर सकते हैं। और कॉलिंग का भी ऑप्शन है, ये देखिए कॉल का ऑप्शन दिया हुआ है साइड में, इसे प्रेस करते ही जो नंबर है डायरेक्टली डायल हो जाएगा, जो भी आपने सिम का नंबर है जो वॉच में डाला हुआ है वो डायल हो जाएगा। और आपका जो बच्चा है उसे ग्रीन बटन प्रेस करना पड़ेगा जो कॉल है उसे रिसीव करने के लिए, और फिर जो स्पीकर है बिल्ट इन और जो माइक्रोफोन है उसका उपयोग करके बात कर पाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, जब चाहे आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि बच्चा कहाँ पर है। और उसके अलावा अगर आपको कॉल करना है, कॉन्टैक्ट करना है आपके बच्चे के साथ में, तो आप कभी भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसा कि ये वॉइस चैट, यहाँ पे देखिए होल्ड टू टॉक, ये जो बटन है इसे प्रेस करके होल्ड करना है और फिर आप बात कर सकते हैं इस प्रकार से। ओजॉय एप्लीकेशन में फंक्शन करके ऑप्शन है, यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिंग्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक खास चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये है जियो फेंस, मतलब कि मैप में एक एरिया को मार्क कर सकते हैं और अगर आपका बच्चा उस एरिया के बाहर चले जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अलर्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। इस स्मार्ट वॉच में 512 MB रैम है, 4 GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है और इसमें 800 mAh की बैटरी है जो आसानी से एक दिन चल जाता है। तो ये है ओजॉय A1 स्मार्ट वॉच जो खास बच्चों के लिए बनाया हुआ है। इसका उपयोग करके जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बहुत ही एडवांस किस्म की मॉनिटरिंग है। आपका बच्चा कहाँ है आपको लोकेशन पता चल जाएगा, और जो जियो फेंस है उसका उपयोग करके आप मार्किंग कर सकते हैं ताकि आपका बच्चा जो है एक पर्टिकुलर लोकेशन के बाहर न चले जाए। तो बहुत ही बढ़िया स्मार्ट वॉच है, लेकिन ये इतना सस्ता नहीं आने वाला है, इसकी कीमत इंडिया में 11,000 रुपये के अंदर होने वाली है। तो ये किड्स स्मार्ट वॉच आपको कैसा लगा और इसके जो फीचर्स है वो कैसे लगे, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए, और देखते रहिए।